अजय निषाद जी हमारे बड़े नेता थे और पार्टी ने उनको लगातार सम्मान दिया। ऐसा अजय निषाद जी को भरोसा करना चाहिए था, लेकिन अजय निषाद जी भरोसा नहीं कर पाए। आज पटना के बीजेपी मीडिया सेंटर में बिहार सरकार में मंत्री सह बीजेपी नेता कृष्णनंदन पासवान ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान प्रेस वार्ता में साथ में बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक, रानी चौबे, बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, अमित प्रकाश और अन्य मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता में मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने अजय निषाद को लेकर कह दी बड़ी बात, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय कृष्णानंद पासवान जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी, रानी चौबे जी और मीडिया के सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय कृष्णानंद पासवान जी से कि आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार। प्रेस वार्ता में उपस्थित थे दानिश इकबाल साहब, मंच पर हमारे पार्टी और मीडिया के साथीगण और उपस्थित प्रेस वार्ता में पत्रकार भाइयों, मैं नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज प्रेस वार्ता में अजय निषाद जी हमारे बड़े नेता थे और पार्टी ने उनको लगातार सम्मान दिया, उनके परिवार को भी सम्मान दिया और कई एक बार पार्टी ने उनको लोकसभा में चुनकर भेजने का काम किया। आज अजय निषाद जी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए, तो हमारे तरफ से अजय निषाद जी को शुभकामना भी है। अजय निषाद जी जहाँ गए हैं वहाँ अच्छे तरीके से काम करें, शुभकामना है। लेकिन आप साथियों को हम बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी सांगठनिक पार्टी है। संगठन की जो रचनाएं हैं उस रचना के तहत हम सभी काम करते हैं। अजय निषाद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पार्टी में संगठन के में कब बदलाव आता है और संगठन ने बदलाव की प्रक्रिया करके किस व्यक्ति को उचित समझकर पद पर बैठाने या उम्मीदवार बनाने का काम करती है। खासकर हमारी पार्टी युवाओं को तरजीह देती है और युवा समझकर अजय निषाद जी तो कई एक बार रह चुके हैं। हो सकता है कि पार्टी ने उनको सांसद से बड़े पद का भी पार्टी सोचती रही होगी। ऐसा अजय निषाद जी को भरोसा करना चाहिए था, लेकिन अजय निषाद जी भरोसा नहीं कर पाए। यह पार्टी के साथ आत्मघाती कदम उन्होंने उठाया है। तो पार्टी संगठन में हम सभी को विश्वास करना चाहिए। अब अपने तो हम लेते हैं कि मैंने मजदूरी का करने का काम करता था और मजदूर पर भरोसा करके पार्टी ने मुझे 4 बार टिकट दिया और 4 बार से मैं विधायक हूँ। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति आज मजदूरी से लेकर आज मंत्री पद तक पार्टी ने दिया, तो पार्टी हमारी माँ के रूप में है और पार्टी के साथ जो विश्वासघात करते हैं कतई जनता उनको नकार देती है और उनको भारी पछतावा करना पड़ता है। तो आज के आप देख रहे हैं, आज के समय में पार्टी हमारी एक एक फूंक फूंक कर कदम उठाती है, बदलाव करके नए चेहरों को भी कहीं लाई है। तो भरोसा करके जो युवा चेहरा है, खासकर युवा चेहरा को पार्टी लाई है। तो आज के प्रेस वार्ता में हम इतना ही कहेंगे
लिया जाए। निषाद जी जो कदम उठाए हैं उनका कदम गलत है, लेकिन फिर भी पार्टी उनको शुभकामना देती है, कहीं भी रहें अच्छा रहें। और अजय निषाद जी ऐसा अच्छा कदम नहीं उठाए, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं जी। पार्टी तो हमेशा विश्वास लेती है हर नेता को, और नेता को ना विश्वास करना चाहिए पार्टी के ऊपर जी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज चुनाव मोदी मय है और अजय निषाद जी जमानत नहीं बचा पाएंगे। मुजफ्फरपुर की जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।